राम जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो ये तो तैयार है माई का भोग। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ जो चाय छाननी होती है ना स्टील वाली, दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाली छाननी, ये ना साइड साइड से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो इसको किस तरह साफ करें ये देखिए। तो एक गैस मैंने चलाई हुई है और अब मैं इस चाय छाननी को ना इस पर थोड़ी देर इस तरह रखूँगी, इस तरह, ठीक है। आप देख रहे हैं कि कितनी गंदी हो आ रही है, ठीक है। थोड़ी देर अब इसको साइड में रख देते हैं, गैस को मंदा कर देते हैं। अब इसको इस तरह से अब ये बहुत ईजी से निकल जाएगा सारी गंदी। ये देखो सारी गंद कितनी ईजीली चक्कू से निकल रही है क्योंकि ये गर्म हो गई है। अगर आप नॉर्मली चाकू से साफ करेंगे तो ये निकलेगा नहीं, ठीक है। ये देखिए थोड़ी देर बाद बाद भी इतनी गंदी है ये। अब बस नॉर्मल तरीके से इसे धो देना है। देखिए पूरी चांदी कितनी अच्छे से चमक रही है। तो इससे ज़्यादा स्पेशल कुछ खाने में हो ही नहीं सकता भंडारे के हलवा पूरी सब्जी। तो हम मज़ा लेने वाले हैं इसका और आप अपने सादा रोटी सब्जी का मज़ा लीजिए। हे गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी कुछ नेल पेंट ट्रिक्स, और उसके लिए मैंने दो शेड्स की नेल पेंट्स ली हैं और ये काफ़ी यूनिक जो हैं आज की लेटेस्ट कलर हैं। तो अगर आप लोग ये कलर ना पसंद करें तो आप कुछ और कलर भी ट्राई कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ ट्राई कर रही हूँ ये एक्वा ग्रीन कह सकते हैं कलर जो है, और मुझे बहुत पसंद है ये। अभी मैंने नेल पेंट ली है तो इसका एक शेड, एक कोट या जो भी है मैं नेल पर लगा रही हूँ वो भी हाफ साइड पे, दूसरी साइड में लगाऊंगी ये येलो कलर। इसका भी ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस तरह के एक्चुअल में मेरे पास दो येलो कलर के नेल पेंट्स हो चुके हैं तो मैं ज़्यादातर अब इसे ही यूज़ करती हूँ। तो ये दूसरी वाली नेल पेंट है और इन दोनों को मैंने हाफ हाफ पे कोट कर लिया है और अब बारी है जो इसका मैजिक है वो चलाने का, और वो है वाइट कलर। और वाइट मेरा फेवरेट कलर है तो मुझे जब भी मौका मिलता है वाइट का यूज़ करने का मैं ज़रूर करती हूँ। और अब मैं इसमें ज़िगज़ैग डिज़ाइन बना रही हूँ ताकि जो इसका मैजिक है वो शुरू हो जाए और ये फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और इसी तरह से मैं सारे फिंगर्स पे ये डिज़ाइन बनाने वाली हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊँगी। तो आप फ़िलहाल इस चीज़ का मज़ा लीजिए और देखिए ये कितना ईजी वे है अपने नेल्स को अच्छे से पेंट करने का या उन पे डिज़ाइन बनाने का। क्योंकि हम रेगुलरली जो नेल पेंट्स लगाते हैं वो अच्छी तो लगती हैं लेकिन कई बार बोर हो जाते हैं, और आजकल की लड़कियों को नेल आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे नहीं लगता कि हर कोई इन पे अपना पैसा वेस्ट करना चाहेगा, इन्वेस्ट करना चाहेगा या रोज़ जाकर पार्लर में इन पे मेहनत करना चाहेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि घर पे ही आप कुछ इस तरह का ट्राई कर लें और अपने नेल्स के साथ कुछ भी नया डिज़ाइन ट्राई करें तो इस तरह का आप घर पे इजीली कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा इन तरह की चीज़ों को ट्राई करती हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये चीज़ शेयर कर लूँ, ताकि जो लोग 1% भी इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं या मेरी तरह नेल
को सजाने में या नेल पेंट यूज़ करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो इस तरह का काम घर पे ही कर ले। और ऑब्वियसली नेल पेंट सूख चुकी है दोनों डिज़ाइन, और अब मैं इस पर भी ज़िगज़ैग डिज़ाइन बना लूँगी वाइट कलर से, जो कि ईजी भी है और सुंदर भी है, और फाइनल लुक भी इसका बहुत अच्छा आने वाला है। तो मुझे तो बड़ा पसंद है ये डिज़ाइन, और अगर आपको भी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे IGTV पे जाके ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये मेरा फाइनल लुक है, अब नेल पेंट सूख चुकी है, ये देखिए। तो अगर आपको मेरी नेल पेंट का डिज़ाइन ऑब्वियसली जो मैंने लगाया हुआ है, ये तरीका इजी है, सिंपल है, और अगर आपको भी ये शौक है कि आप नेल पेंट इस तरह से लगाना चाहते हैं तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हालांकि एक प्रॉब्लम भी होती है कि मैंने सिर्फ इस हाथ में लगाई है, दूसरे हाथ में मैं आपको दिखाती हूँ नहीं लगा पाई, क्योंकि उल्टे हाथ में इजीली नहीं लग पाती है, लेकिन मैं जितना भी शौक है इस हाथ में पूरा कर लेती हूँ। तो अगर आपको भी इस तरह का कुछ शौक है या कुछ डिज़ाइन आपको चाहिए तो आप मेरे IGTV पे जाके देख सकते हैं। वैसे तो मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो डाली है, लेकिन फिर भी आगे कोशिश करूंगी कि जब भी मैं कुछ नया ट्राई करूँ तो इस तरह की वीडियो ज़रूर डालूँ। तो ये वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, गुड बाय।